रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर इसे मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों गंगा स्नान दान का भी महत्व होता है। कहा जाता है कि वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की जयंती के मौके पर इसे मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदियों पूर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर जन्मे महर्षि वेदव्यास की जयंती के मौके पर गुरु पूजन की परंपरा फॉलो की जाती है। बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई शनिवार की सुबह 10:43 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 25 जुलाई रविवार की सुबह 8:06 पर होगी। दोस्तों, पूर्णिमा पर कई सारे विशेष संयोग इस बार बन रहे हैं। बताना चाहेंगे कि इस पूर्णिमा के अवसर पर विश्व कुंभ योग, सर्वास सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रीति और आयुष्मान योग में हमारे द्वारा किए गए कोई भी शुभ कार्य करने से करियर व्यापार में हमें सफलता मिलती है। वहीं वैदिक ज्योतिष में विषकुंभ योग को भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के शुरू करने से लाभ होता है। दोस्तों, ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक गुरु पूर्णिमा पूजा करने से 100 यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कुंडली में चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। और दोस्तों, यदि आप इस दिन का लाभ उठाना चाहती हैं तो आप इस दिन शाम के वक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक ज़रूर जला दें। इसके साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करें। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा गंगा जल भरकर अपने नहाने के पानी में आप थोड़ा डाल दें और उसी पानी से आप स्नान करें। ऐसा करने से आपको त्वचा रोग, दमा जैसी बीमारियों से लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के वैदिक मंत्र का आप जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सत्यनारायण कथा पढ़ें या सुनें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन खीर के भोग और दान से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन बरगद की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, बता दें कि सबसे खास बात इस पूर्णिमा की यह है कि इस पूर्णिमा में नज़र आने वाला चांद सभी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा अधिक चमकीला और बड़ा नज़र आता है। और दोस्तों, इसी के साथ 70 वर्षों बाद यह गुरु पूर्णिमा का महासंयोग शनिवार के दिन पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार, जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान शनिदेव जी का दिन कहलाता है। ऐसे में दोस्तों, इस दिन से भगवान शनिदेव की कृपा कुछ विशेष राशि वालों के ऊपर बनने वाली है। जी हाँ, इन राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा रहेगी। तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भी आप ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलेगी। जी हाँ, जहाँ एक और इस दौरान अपने व्यवसाय में आप कोई कठिन निर्णय लेने में सफल रहेंगे, तो वहीं इस निर्णय से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रही हैं, वह
अपने बॉस और अधिकारियों को प्रसन्न रखने में इस दौरान सफल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रचनात्मक क्षेत्र से जहाँ एक ओर आपको लाभ प्राप्त होगा तो वहीं ऑफिस में भी सहकर्मियों को साथ रखने में भी आप सफल रहेंगे। खासकर दोस्तों, भाग्य वृद्धि के संकेत के चलते इस समय धन की आवक भी आपकी बनी रहेगी। अनुशासन का पालन करते हुए आप अपने हर कार्य करिए। कार्यस्थल पर कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं, यानी कि साझेदारी में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर भूमि भवन एवं किसी अन्य जगह पर धन लगाने का आप मन बना रहे हैं, तो माता रानी की कृपा से आपको इसमें सफलता के योग बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर आप अपना स्वयं का व्यापार और व्यवसाय इस दौरान करने में सफल रहेंगे और भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उन्हें नौकरी प्राप्त अवश्य होगी, क्योंकि इस समय मंगल एवं शुक्र की युति धन योग का निर्माण कर रही है, जिसके चलते धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसलिए इसके चलते ही आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त वृद्धि देखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो उन्नति एवं प्रगति प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही हैं और अभी तक मेहनत का उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को इस समय माँ लक्ष्मी फल ज़रूर देंगी। आपको धन प्राप्त होगा, पैसा मिलेगा। दोस्तों, एक बात ज़रूर है कि यदि कोविड-19 की वजह से एवं मंदी की मार की वजह से आपका पैसा कहीं रुक गया था, कोई जगह आपने निवेश किया था और पैसा वहाँ पर अटक गया था, तो दोस्तों शुभ परिणाम आपको भी प्राप्त अवश्य होंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपके स्थितियाँ पक्ष में रहेंगी, तो वहीं पुराने मित्रों के संग किसी बड़ी योजनाओं को नया रूप देने में भी आप सफल रहेंगे। किंतु दोस्तों, जज्बातों में आकर बिना विचार निर्णय अगर आप लेंगे तो आपको हानि भी हो सकती है और मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, इस समय मानसिक कष्ट एवं रोगों से परेशान जातकों को प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों बता दें कि यह वक्त आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। लंबी बीमारी से छुटकारा आपको मिलेगा, तो वहीं आमदनी प्राप्त होने से कुटुंब परिवार में चल रही उलझन सुलझने से आप स्वस्थ रहेंगे। यहाँ तक कि स्वतंत्र होने की चाहत भी आपकी पूर्ण होगी। खुद का मकान, खुद का घर, गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। अपनों से दूर जाने का भी आपको मौका मिलेगा। तो वहीं इस समय नौकरी पेशा जातक, चाहे वह राज्य सरकार में स्थित किसी पद पर विराजमान हैं, वह नौकरी के अलावा कुछ नया कार्य के बारे में सोच रही हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा अवसर आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ओर जहाँ आप अधूरे कार्य को पूर्ण करेंगे, तो वहीं पुराने कार्यों में भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। खासकर इस राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव अगर आप चाहती हैं, जगह बदलना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके सपने सच होंगे। परिवर्तन योग आपके लिए बन रहा है, जिसके कारण आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। तो वहीं जो स्टूडेंट्स हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी परीक्षा की अगर तैयारी आप कर रही हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो दोस्तों सफलता के योग वहाँ पर भी बन रहे हैं। जी हाँ, इस समय भाग्य के सहयोग से आप मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, खासकर जहाँ एक ओर विदेश जाने का सपना आपका सच होगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको शारीरिक वजन पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। हृदय संबंधित समस्या जिन्हें पहले से थी, उन्हें इस दौरान सजग भी रहना होगा। देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की इच्छा इस दौरान पूर्ण होगी। इसके साथ ही साथ इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। तो वहीं पुत्र से संबंधित खुशखबरी से आप रोमांचित हो उठेंगे। विशेषकर जो अभी तक सिंगल हैं, प्रेम के लिए तरस रहे हैं, या फिर जिनका एक तरफा प्यार शुरू हो चुका है, उन्हें निश्चित तौर पर इस दौरान प्यार की सौगात मिलेगी। नए संबंध बनने के कारण रोमांस भरे पलों को आप बिता पाएंगे।
अब चलिए आपको हम बता ही देते हैं कि आखिर यह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि यह राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।